रिसेंटली एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कोविड-19 की जो थर्ड वेव है वो इनएविटेबल है और वो नियरली 6 to 8 वीक्स के अंदर आ सकती है, लाइक उसके आने की पॉसिबिलिटीज है। डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया में कोविड-19 के सेकेंड वेव की मेन वजह थी, अब उसका एक म्यूटेटेड वर्जन डेल्टा प्लस वेरिएंट भी इंडिया में कहीं जगह पाया जा रहा है दोस्तों। रिसेंटली महाराष्ट्र, केरला और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के ट्रेसेस कहीं पेशेंट्स में पाए गए हैं और इसे एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी डिक्लेयर कर दिया गया है। बट ये वीडियो सिर्फ आपको कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपको ये अंदाजा दिलाने के लिए है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पहले कितनी ज्यादा क्रिपल्ड थी और अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इसकी हालत और कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और दोस्तों अगर कोई थर्ड वेव आए कोविड-19 पैंडेमिक की तो क्या इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम उसे संभाल पाएगा भी या नहीं, और क्या हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं इस पूरे सिचुएशन के लिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते। सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों वो है द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में टोटल 37.6 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फॉर 10,000 पेशेंट्स, 10,000 पेशेंट्स के लिए इतने हेल्थ वर्कर्स जो है वो इंडिया में मौजूद है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये संख्या नियरली 45 हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए पर 10,000 पेशेंट्स। साथ ही जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है दोस्तों, इंडिया में पर 10,000 पेशेंट्स के लिए सिर्फ 9 डॉक्टर्स मौजूद है, जो कि जर्मनी में 42 डॉक्टर्स मौजूद है 10,000 पेशेंट्स के लिए एंड यूनाइटेड किंगडम में 28 डॉक्टर्स मौजूद है पर 10,000 पेशेंट्स के लिए। हमारे नेबर चाइना के पास दोस्तों 3.61 मिलियन डॉक्टर्स हैं फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, और दोस्तों ये इंडिया के डॉक्टर काउंट से 3 गुना ज्यादा है। साथ ही दोस्तों नर्सेस की बात की जाए तो इंडिया में सिर्फ 15 नर्सेस मौजूद है पर 10,000 पेशेंट्स के लिए, जबकि यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी में ये आंकड़ा 100 से भी ज्यादा है। बट इससे भी ज्यादा अजीब बात तो यह है कि लगातार पिछले कई सालों से इंडिया जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक करती आ रही है इन नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, और दोस्तों इंडिया में करेंटली वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। बट वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में होने के बावजूद हम डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं, और इसके कई अलग अलग रीजंस हैं जिन्हें काफी डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक दोस्तों कोविड-19 के फर्स्ट वेव में 748 डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी इंडिया में, और सेकेंड वेव के दौरान 730 यानी कि 730 डॉक्टर्स की टोटल मौत हो गई है इंडिया में, यानी दोस्तों सिर्फ 2 साल के अंदर 1478 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है इंडिया में, और पहले से जितने शॉर्टेज थे डॉक्टर्स के अब आप सोच सकते हो कि थर्ड वेव से पहले डॉक्टर्स की शॉर्टेज कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों इसे आखिर कैसे फुलफिल किया जाए ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एज थर्ड वेव इनएविटेबल है, वो कभी भी आ सकती है, एंड हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बर्डन है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कितनी ज्यादा कमी हो चुकी है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने सेकंड पॉइंट पे जो कि है पुअर रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। अब सपोज फॉर एग्जांपल दोस्तों इंडिया में एक विलेज है जिसका नाम है एक्स, वहां पे भी कोविड-19 की बीमारी बुरी तरीके से फैल गई थी। एक्स विलेज के सबसे करीबी जो शहर है वो एक बड़ा सा शहर है, उसका नाम है वाई, और वहाँ पे कई सारे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। अब जो एक्स विलेज है वहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है दोस्तों, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं आते, और वहाँ पे कोई अवेयरनेस भी नहीं है कोविड-19 से रिलेटेड, बट वहाँ पे काफी पॉजिटिव केसेस आने लग रहे हैं। सो दोस्तों अब क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं है, इस वजह से जो विलेज एक्स है वहाँ से पेशेंट्स जो है वो सिटी में ट्रैवल करेंगे, यानी कि वो वाई सिटी में ट्रैवल करेंगे। अब सपोज 2 पेशेंट्स वाई सिटी में ट्रैवल किया और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में गए जिसका नाम है H1। अब दोस्तों वहां पे उन दोनों को बेड्स मिल गई। अब उसी विलेज से और 2 लोग ट्रैवल किए जिन्हें H1 हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिली, आज वहां पे बेड्स फुल हो चुकी थी, तो उन्होंने उसी शहर में एक दूसरे हॉस्पिटल जिसका नाम है H2 वहां पे जाके एडमिशन करवाया और वहां पे उनको बेड्स मिल गई। अब सपोज दोस्तों जो वाई सिटी है उस वाई सिटी का एक रेसिडेंट है जिसको कोविड-19 की बीमारी हुई और वो बेड्स के लिए हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम रहा है। अब ना तो उसे H1 में बेड मिलेगा और ना ही H2 हॉस्पिटल में बेड मिलेगा, एज ये दोनों जगह फुल हो चुके हैं, और यहाँ पे विलेजेस से 4 जन कम से कम मौजूद है जो कि एक्स विलेज से आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिटी का जो पॉपुलेशन है उसे ही पूरी तरीके से हॉस्पिटल्स नहीं संभाल पा रहे हैं, और विलेज में बिकॉज हॉस्पिटल्स नहीं है
इसी वजह से वहां से लोग ट्रैवल कर रहे हैं सिटीज में, और इसी वजह से वहां के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इतना बर्डन पड़ रहा है, जिस वजह से बेड्स की शॉर्टेजेस हो रही है। अब सपोज दोस्तों, अगर जो एक्स विलेज था वहां पे अगर एक हेल्थ केयर सेंटर या फिर कोई हॉस्पिटल होता छोटा सा गवर्नमेंट का, जिसका नाम होता H3, तो ये जो चार पेशेंट्स जो कि वाई सिटी में ट्रैवल किए, इन्हें वहाँ ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो अपने गांव में ही अपना इलाज कराते और वहीं पे वो ठीक हो जाते। और वाई सिटी में जो पेशेंट की डेथ हो गई बेड ना मिलने की वजह से, उन्हें वहाँ वाई सिटी में वो बेड मिल जाती। और दोस्तों, अगर हम इसे पूरे लार्ज स्केल में इम्प्लीमेंट करके देखें तो पूरे इंडिया के मोस्ट ऑफ स्टेट्स की यही हालत थी, और इसी वजह से हर मेट्रो सिटी में या फिर बड़े बड़े शहरों में बेड्स अवेलेबल नहीं थे। अब दोस्तों, थर्ड वेव या ऐसी किसी बड़ी बीमारी से बचने के लिए गवर्नमेंट को वाई सिटी के H1 या H2 हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि एक्स विलेज के H3 हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। एज दोस्तों, इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, ना कि सिटीज में, और सिटीज में तो दोस्तों फिर भी इतने हॉस्पिटल्स मौजूद हैं वहाँ के लोगों को केटर करने के लिए, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। बट विलेजेस से ट्रैवल करते वक्त कहीं पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, वहाँ टाइम पे उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल पाती, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हफ्तों तक, जिस वजह से वहाँ पे लोगों की डेथ्स होती है और वहीं से बीमारी ज्यादा से ज्यादा फैलती रहती है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि है दोस्तों GDP एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। अब दोस्तों, अगर हम पिछले सालों के कुछ GDP के एक्सपेंडिचर देखें हेल्थ केयर पे, तो 2019-2020 का जो फिस्कल ईयर था उसमें कुल 62,659 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए थे इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पे, और ये टोटल GDP का 1.28% था। अब दोस्तों, वही अगर हम उसके आगे बढ़े तो 2020 से लेकर 2021 का जो फिस्कल ईयर था उसमें कुल 69,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए, और ये 2019-20 के फिस्कल ईयर के एक्सपेंडिचर से थोड़ी सी ज्यादा थी दोस्तों, बट ये स्टिल काफी ज्यादा कम थी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अब दोस्तों, 2021 और 22 का जो फिस्कल ईयर है, इसमें ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक ये जो बजट है ये काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और ये नियरली 2.23 लाख करोड़ रुपीज कर दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर्स। और दोस्तों, इसमें से 35,000 करोड़ रुपीज ऑब्वियसली COVID-19 वैक्सीन के लिए भी रखा गया है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट आने वाले सालों में भी GDP को इसी तरीके से बढ़ाती रहेगी, या ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक ही उन्होंने इस GDP को इस साल इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर इसका बढ़ा दिया है, और क्या आने वाले सालों में इसे वापस से वो कम कर देगी, तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा दोस्तों। अब ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि COVID-19 के थर्ड वेव में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, बट लोगों को भी यहाँ पे काफी ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है। COVID-19 के सेकेंड वेव के काफी ज्यादा अभी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटने लगे, बट स्टिल दोस्तों लोग अभी तक पूरी तरीके से अवेयर नहीं है कि थर्ड वेव इनएविटेबल है, वो कभी भी आ सकती है। लोग आज भी मार्केट्स में भीड़ करते हैं और बाहर घूमने निकल रहे हैं, बट ये चीज किसी भी हद तक जस्टिफाइड नहीं है। हम गवर्नमेंट को दोष तो दे सकते हैं दोस्तों, बट जब हमारी खुद की गलती की सजा हमें मिलेगी उस टाइम हम किसी को भी दोष देने के लायक नहीं बचेंगे। तो ये चीज इंडिया के पब्लिक को भी समझनी चाहिए। 1.4 बिलियन की जो ये पूरी की पूरा हमारी पॉपुलेशन है दोस्तों, यहाँ पे वायरस स्प्रेड होना एक काफी इजी चीज है, और यहाँ पे दोस्तों अगर ये एक बार स्प्रेड हो गई तो इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ये हम लोग एक और बार अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज दोस्तों नॉलेज यहाँ पे फ्री है। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।